अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाओ। क्या दबा भी दिया? बहुत तेज हो रहे हो। What is up guys, welcome back to Tech Cracker। तो यार आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस पैकेज की, जो कि है बोया का BY-M1 माइक, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है 899 रुपीज़, यानी कि 900 रुपीज़ का। आप आसानी से 799 रुपीज़ का मंगा सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसे अनबॉक्स करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा यार, अगर आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मेरी तरह बहुत ज़्यादा, तो यार उस पैकेज को, कार्डबोर्ड पैकेज या प्लास्टिक पैकेज जो भी आता है बाहर का, उसे आप एक बार सैनिटाइज ज़रूर करें। सैनिटाइज करने के बाद उसे 1-2 घंटे बाहर धूप में सुखाने के लिए छोड़ दें, तब जाके उसकी अनबॉक्सिंग करें। तो चलो, मैंने ये सारे स्टेप कर लिए हैं इसलिए अब मैं इसे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चलो यार अनबॉक्सिंग पे। सो गाइस, ये है पैकेज जो हमें रिसीव होता है फ्लिपकार्ट का कार्डबोर्ड बॉक्स। तो चलो यार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बिल है, इसे साइड में रखते हैं। अब भाई मैं पिछली वीडियो की तरह कह रहा हूँ, डस्टबिन में फेंक देना। तो यार ये है माइक, जूम करता हूँ मैं इसे। बोया BY-M1 माइक्रोफोन क्रेवेट, सुपर्ब साउंड फॉर प्रेजेंटेशन। तो यार कुछ गंदगी सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है अनबॉक्स हुआ है क्या ये? ऐसा लग रहा है पहले अनबॉक्स हुआ है यार ये। इसमें कस्टमर केयर के कुछ डिटेल्स हैं, माइक के बारे में कुछ, और प्राइस लिखा है इसमें 1995। कोया BY-M1। तो चलो यार इसे भी खोलते हैं, आपको भी जरूरत नहीं है। बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। सो गाइस, इसके साथ हमें ये मिलता है एक अच्छा सा पाउच, जो कि मुझे लग रहा है पक्का ये माइक खुला हुआ है, क्योंकि ये पाउच भी ढंग से बंद नहीं था। चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं क्या है। तो ये दी गई है भाई इसके साथ, एक माइक्रोफोन के साथ, एक कैसे कनेक्ट करना है, फीचर्स। वैसे तो आप लोग इतने वेले नहीं हो कि आप इसे पढ़ोगे, फिर भी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। तो ये क्या है, ये वारंटी कार्ड दिया गया है। तो गाइस ये है मेन माइक्रोफोन बोया। सो गाइस इसे ओपन करते हैं। इसके साथ हमें मिलता है ये माइक। तो गाइस ये है मेन यूनिट, जिसकी तार बहुत ही ज़्यादा लंबी है यार, बहुत ज़्यादा लंबी तार है इसकी। और यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा आप लोगों को, बोया की ब्रांडिंग। और ये ऑन ऑफ, या तो ये ऑफ, ये जब आप कैमरे से कनेक्ट करेंगे तो इसे ऊपर को करना है, और जब ये ऑफ करना है या स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रखना है तो ये नीचे को रहेगा ऐसे करके। तो ये है, तो गाइस तार बहुत ही ज़्यादा लंबी है, मुझे अप्रॉक्सीमेटली पता नहीं कितने मीटर की है, पर काफ़ी लंबी लग रही है। तो ये है मेन माइक, ये माइक है। और इसके साथ हमें कुछ एसेसरीज भी दी गई हैं इसकी, इसे भी हम फाड़ते हैं। सो इसके साथ मिलता है हमें ये, जो कि माइक के ऊपर लगता है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस ये है कि ये ऐसे लग जाता है माइक के ऊपर, ठीक है। और ये है 1:8 इंच का। अब मुझे ये मैंने स्कूल में देखा था गाइस, अपने स्कूल में कनेक्ट करते हुए। तो ये भी आपको इसके साथ मिलता है। और इसके साथ हमें ये क्लिप मिलती है, ताकि हम इसे अपनी शर्ट पर माउंट करके लगा सकें। तो गाइस अब मैं करता हूँ इस माइक पे स्विच, और आपको बताता हूँ ऑडियो क्वालिटी कैसी है।
सो गाइस मैंने माउंट कर लिया है ये बोया का BY-M1 माइक, पर मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से आ रही है, और मैंने ऊपर फ़ैन भी चला है तो आपको उसकी भी साउंड आ रही होगी। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है सिंपल माइक्रोफोन से, और अब मैं करता हूँ बोया की तरफ स्विच। सो गाइस मैंने ऑन कर लिया है अपना बोया का ये BY-M1 माइक, तो जो आप अब ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी तक जितनी भी आप ऑडियो सुनते थे पहले की, जो इस रिकॉर्डिंग से पहले की सुनी है, वो सारी मेरे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुई है। लेकिन जो ये वाली जो अब ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप जो वीडियो देख रहे हैं, वो इसी बोया के BY माइक से हो रही है। तो शायद इससे थोड़ी साउंड कैंसिलेशन भी हो रही है, ऊपर फ़ैन चल रहा है जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो वैसे तो ये 799 में आसानी से मिल जाएगा, लोग आपको रिकमेंड करेंगे जेनरिक का माइक, लेकिन गाइज वो भी 300 रुपीज़ के अंदर आता है। थोड़ा पैसा और मिला के जब कंपनी वाली चीज़ मिल रही है तो हमें ये लेनी ज़्यादा सही लगती है मुझे तो। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।